नमस्कार, मैं दिव्यांशी एबीपीएस न्यूज के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव के में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलिया से भाजपा विधायक धनंजय सोनजिया जी। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनपद बलिया का बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूँ। विधायक जी, हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से ज्यादा हो गया है, परंतु वर्तमान समय में जो गांव की स्थिति वही अब भी है, इस पे आप क्या कहेंगे? 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मुख्य रूप से गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए विशेष योजनाएं चलाकर गांव को सशक्त करने का एक योजना आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका जो सृजन है वो एक सिद्धांत पर आधारित है। और सिद्धांत है लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, जिसको कि आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हर योजना को गांव तक पहुंचा रही है। विधायक जी, गांव में प्राथमिक सरकारी स्कूल तो बहुत हैं, परंतु वहां पे अध्यापक नहीं है, इसके कारण क्या है? देखिए, शिक्षा क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत ही खस्ता हाल में इस समय पिछली सरकारों के द्वारा चलाया गया, जिसमें कि बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं ना के बराबर थीं, दुर्व्यवस्थाओं का ही बोलबाला था। और शिक्षा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षा देने का कार्य करता है, लेकिन जिस तरह से सरकार की मनमानी कही जाए, शिक्षा मित्रों का चयन हुआ, जिस तरह से अभी बच्चों को जो एक ड्रेस दिया जा रहा था, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां आप ये पाएंगी कि पहले की जो सरकार थी उस सरकार की क्षमता पर, उस सरकार की कार्यशैली पर, सरकार की नीतियों पर, जो सरकार के चुनिंदा लोग हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, उनकी नीयत हमेशा जो है अपारदर्शी रही है। और उनकी नीयत का ही नतीजा है कि आज शिक्षा क्षेत्र बदहाल है। चाहे कोई भी विभाग ले लें आप, अगर 24 घंटे बिजली देने की भी बात करें तो ये उनकी सोच का ही नतीजा है कि 75 जिलों कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों को 4 जिलों को चुनकर 24 घंटे बिजली दी जाती थी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पहले की सरकारों में सरकार की नियत नीति पर सरकार के चुनिंदा लोगों की नियत हावी रहती थी, और वो नियत ही ऐसी उनकी बनी रही जिससे कि समाज के किसी वर्ग का भला नहीं हुआ। गांव में पशुधन ही उनका धन है, परंतु वहां पे पशु चिकित्सालय नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा? देखिए, गांव में हर ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सालय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसान के आय का एक प्रमुख स्रोत है पशुपालन, तो उस दिशा में भी सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, जैसे गौशालाओं का निर्माण को बनाया जा रहा है, कान्हा पशु आश्रय जो छुट्टा आवारा पशु हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए भी सरकारी योजना लेकर आगे बढ़ रही है। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो बहुत ही छोटे प्रयास से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, उस तरह की योजनाएं गांव में चल रही हैं और उसका अच्छी तरह से अनुपालन हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को मजबूती मिल रही है और पशु चिकित्सालय भी आगे बढ़ रहा है। गांव में इमारतें तो बहुत हैं, परंतु उसमें ताले लगे हैं, डॉक्टरों की कमी है, इसकी क्या वजह है? जहाँ तक चिकित्सालय के साथ साथ चिकित्सक भी होना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, और गांव में काफ़ी गरीब संख्या रहती है, तो उनके लिए निश्चित रूप से इलाज का एक मुख्य स्रोत जो है कि आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही होते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, सुविधाओं का ज़रूर वहाँ पर विकास होना चाहिए, जैसे एक्सरे मशीन हो और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण लगने चाहिए जिससे आजकल के आधुनिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो और आधुनिक व्यवस्था से
आने वाले गरीब मरीजों का उपचार हो। विधायक जी, आप मेरी ग्रामीण जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीण जनता, पूरा हमारा भारत देश ही गांव का देश है, किसानों का देश है, कृषि पर आधारित देश है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक सिद्धांत बनाया है, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उसी को सिद्धांत मानकर आगे बढ़ा जा रहा है। और गांव में रहने वाले आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने की बात हो, या फिर निःशुल्क विद्युतीकरण के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने की बात हो। इसके साथ साथ हर तरह से एक ये कहा जाए कि गरीब वर्ग को स्वावलंबन की तरफ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे एक गरीब परिवार जो है, एक जो गरीब व्यक्ति है उसका घर बसे, उस तरह की योजना है। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय बनाने की योजना, बिजली देने की बात, ये सारा एक घर को घर बसे इस दिशा में एक बहुत ही सुदृढ़ प्रयास है। और इस सिद्धांत को मानकर जो मैंने कहा कि एक लक्ष्य है कि हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचेंगे, पथ है हमारा, रास्ता भी वही है कि हमें हर हालत में एक संकल्प के साथ समाज के उस वर्ग तक पहुंचना है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास का जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, सिद्धांत है, उसको, उस दिशा में प्रदेश सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपके हिसाब से गांव में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वहां के लोग खुशहाल ज़िंदगी जी सकें? देखिए, गांव में मुख्य रूप से किसान हैं जो खेती पर आधारित अपना व्यवसाय करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। अभी 2 फरवरी को ही हमने एक रोज़गार मेला का आयोजन कराया था। सरकार सेवा नियोजन कार्यालय जो हर जनपद में है, वहाँ पर रजिस्टर्ड काफ़ी बेरोज़गार नौजवान गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो मैंने जब रोज़गार मेला कराया तो बहुत ही छोटा एक कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़े। 15 दिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन एक हमने अपने माध्यम से भी कराया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 12,500 युवाओं ने तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पूरे जनपद के भी युवाओं ने उसमें भाग लिया, और 12,500 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। और 2 फरवरी को जब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, 12 कंपनियां वहां उपस्थित थीं, और कुल मिलाकर जिस तरह से कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह से युवाओं की योग्यता थी, उसके आधार पर 8,500 से लेकर 15,000 तक की सैलरी में लगभग 4,000 युवाओं को सीधे रोज़गार से जोड़ा गया। तो एक बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो गांव में अगर युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, लघु और घरेलू उद्योग को वहां पे बढ़ावा दिया जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जनपद एक उत्पाद पर बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। आज़ादी के 70 साल बाद अगर कोई जनपद अपने उत्पाद, ये कहा जाए कि वो व्यवसाय बंद हो जाए, तो ये पुरानी सरकारों की देन है। अगर आज़ादी के बाद उस उत्पाद से ही उस जिले की पहचान और मजबूत होनी चाहिए थी, वो उत्पाद ही खतरे में है। तो इस दिशा में आप पहले पिछले के सरकारों पे के कार्यों पे न जाकर अब जो एक योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे लेके बढ़ने का एक प्रयास है, उससे निश्चित रूप से गांव में जो गरीब समाज है, महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको लघु और घरेलू उद्योग से, वन जनपद वन उत्पाद से जब जोड़ा जाएगा, तो इसमें बहुत ही ये विकास करने की एक दिशा में एक बहुत ही अनोखा प्रयास है और सफल प्रयास होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बलिया से भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया जी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे साथ बातचीत करी। हम आपको और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए दिव्यांशु दीजिए इजाजत। नमस्कार।